इतनी एंजाइटी, इतनी नर्वसनेस और इतनी एक्साइटमेंट है मेरे को अभी कि फाइनली मेरे लाइफ का एक नया चैप्टर ही पूरा चालू हो रहा है। मैं कॉलेज जा रहा हूँ, जैसे आप लोग लास्ट व्लॉग में देख चुके हो, आज मैं गांधीनगर निकल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ ऐसे घर को छोड़ कर जाने में। तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जैसे आप लोग को पता है कि लास्ट व्लॉग में मेरा पूरा गला जा चुका था, बट अभी काफ़ी ज़्यादा बेटर है। मेडिसिन भी मैं टाइम पर ले रहा हूँ। अभी सुबह के 7 बजे है और हम लोग भी बस निकलने में, ये सब लोग रेडी हो चुके हैं, ऑलमोस्ट मेरा सारा सामान रेडी है। फिर भी वो एंड मोमेंट पर अपन को लगता है कुछ भूल रहा हूँ, बस मैं अभी वही सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं क्या भूल रहा हूँ। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो मुझे पैकिंग के टाइम हुआ, मैं कौन से जूते लेके जाऊँ। एक तो इतने सारे जूते, तो सबसे ज़्यादा अपने जूतों को भी मिस करूंगा। हाँ, डेफिनेटली मम्मी पापा को सबसे ज़्यादा मिस करूंगा, ऋषि को। एंड ये 19 साल में मैं पहली बार ऐसे घर से जा रहा हूँ। मैं कभी स्कूल से भी ट्रिप पे नहीं गया था। पहली बार मैं भी 2021 में गोवा गया था दोस्तों के साथ। उसके अलावा मैं कभी दोस्तों के साथ भी ऐसे बाहर नहीं गया हूँ। सो बहुत ज़्यादा ऐसा इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए मम्मी पापा को छोड़ के जाने के लिए, और मम्मी पापा के लिए भी डेफिनेटली। इसलिए कल रात को बैठ के मैं बस मम्मी पापा से बात किया, जितना थोड़ा पैकिंग बाकी था दिन में सो गया था। तो गाइस, गाड़ी में सारा सामान आ गया फाइनली। बस ये दो चीज़ें, एक तो हाय ऋषि, हेलो, एक ये बॉक्स है और ये मेरा खाने का बॉक्स है। और देखो, एक ही मैंने आगे बास्केट रखा है, बाकी तो सारा चीज़ आ गया। बस वही डर लग रहा था कि सामान मेरे पास बहुत सारा है, मतलब 3 सूटकेस है, 2 बैग है और ये बास्केट एंड ऑल है। तो आ गए, अभी हम लोग जा रहे हैं। डीजे की मम्मी भी आ रही है साथ में, तो डीजे की मम्मी को भी लेंगे। पापा मम्मी भी बस नीचे आते होंगे। बाकी मैं सब में घर में सबके पैर छू लिए, दर्शन कर लिया मंदिर में, अब निकल रहे हैं फाइनली। बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रहा है। और मेरे जाने के बाद है ना, मेरे रूम पर ध्यान रखना और जूतों का भी। ओके, छेड़खानी की तो देख लेना, मुझे पता चल जाएगा, ठीक है? नहीं करूँगा। हाँ, तो अभी निकलते हैं। अभी 7:30 तो हो गए, मतलब हमको निकलते निकलते 8:15 हो ही जाएगा सूरत से। कोई नहीं, अभी जितने बजे भी पहुंचे, बस आज निकल रहा हूँ, मेरे को वो बड़ी बात है। और आज से नवरात्रि भी चालू हो रही है, तो बहुत अच्छा दिन है। और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी ऐसे शुभकामनाएं बोलते हैं, नवरात्रि एंजॉय करना, दैट्स इट। तो अभी पहला ब्रेक लिया ये ऑनेस्ट के ऊपर। ऑनेस्ट तो बहुत फेवरेट है ये हमारा, मैं जब भी ऐसे हम लोग निकलते हैं तो इधर उठते ये खाते हैं। तो अभी इधर जाते हैं, थोड़ा नाश्ता, पेट पूजा करते हैं। और हम आ गए पीडीओ के मेन गेट पर फाइनली। आशु सेठ, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, एकदम। मैं आया, आशु निकल रहा है, मेरे मम्मी पापा के साथ ही आशु निकल रहा है वापस। ये सूरज जा रहा है, ये गलत बात है। हाँ आशु, पर नहीं नहीं, हम लोग आ गए फाइनली कैंपस में। भी सब जो काम है, पेपर वर्क, ये सब करके आपसे मिलता हूँ फाइनली। मैं अपने दो अनमोल रत्नों से मिला, ट्विनिंग। मम्मी से मिली, मजा आया। और फिर रोना आएगा ना। You did not have the surety, yeah? आशु को भी तुम्हारे साथ दे। अरे, you told कि mostly मम्मी आने वाली है। फाइनली गाइस, मैं सेटल हो गया। रूम आपको जाके दिखाता हूँ। रूम में सामान वामान रख लिया, मम्मी को सी ऑफ किया, मम्मी बहुत रोई, नहीं देखा गया। आशु चला गया मम्मी पापा के साथ। मैं अभी धारा का वेट कर रहा हूँ, उसके हॉस्टल के बाद मैं जा नहीं सकता हूँ उसके हॉस्टल में, वो अपना सामान रखने गई है। और मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कैंपस बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत गर्मी है, पिघल रहा हूँ धूप में इधर, गर्मी में हालत ख़राब है। मतलब पहले तो रूम में जाके मैं आपको रूम का हालत दिखाऊंगा, मेरे रूम का क्या हालत है अभी। एंड इतना भूल भुलैया वाला, इतना बड़ा कैंपस है, मतलब गाड़ियों की ज़रूरत ही नहीं है इधर, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है गाड़ियों, इतना आराम से अच्छा हो जाएगा। ये डीजे का हॉस्टल है, यहाँ से ये सब व्यू देखो, पूरा जंगल ही जंगल है मतलब इधर। तो गाइस फाइनली ये रहा मेरा रूम, ये एंट्री है, ये 2 बेड है, वो आशु का, ये मेरा। आशु चला गया है तो अभी मैं सब अवेयर रहा हूँ, मतलब समेट रहा हूँ। वो आशु का डेस्क है, ये रहा मेरा। गाइस जस्ट ये व्यू देखो, ये यहाँ पर कैफेटेरिया टाइप्स का है, और ये व्यू देखो कितना प्यारा है यार। ये भी देखो गाइस, देखो क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है। आज मैं और डीजे सब मस्त ट्विन करके बैठे, ये देखो। अरे ऐसे कैसे दिखाएगा तू? ठीक, बट ये बास्केटबॉल कोर्ट है हमारा, ये पूरा कैंपस है। अभी मैं डीजे के साथ बात करते करते कैंपस देख रहा हूँ। द स्काई एवरी डे इज सो ब्यूटीफुल, इट इज द बेस्ट सीन एंड ब्यूटी विल गेट एनीवेयर। नाइस, लुक्स क्या प्यारा है, ऑरेंज एंड पिंक स्काईज, या रियली नाइस। अभी वेदर काफी प्लेजेंट है, दिन में बहुत गर्मी होती है बहुत। हाँ, तो सॉरी गाइज, मैंने सारा सैंडविच चट कर गया, बट सैंडविच मंगाया था अभी मैंने, बट बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्टी सैंडविच था। और मैंने इधर भैया से, पीछे जो भैया है दिख रहे कि नहीं पता नहीं, बट हाँ, बहुत अच्छी दोस्ती कर ली है, तो मुझे बहुत अच्छा खाना बना के देंगे इधर फ्रीजलैंड में। और ये जगह देखो बहुत प्यारी है रात को बैठने के लिए, और पेट भर के मैंने खाया है अभी। और ऐसा है रात को इधर के दाल बाटी है, तो मेरे को रिस्क नहीं लेना, थोड़ा सा खाऊंगा, बट अभी इधर पेट भर के खाया है मैंने, अच्छा नहीं हुआ। तो दाल बाटी इतना नहीं खाता मैं यार, घर पे भी नहीं खाता।
फाइनली मैंने ऑलमोस्ट सब जमा दिया, अपने सारे सूट के ऊपर रख दिए, मेरे कपड़े किट्स में डाल दिए, प्रोटीन खाने पीने का सामान, डेस्क हल्का सा मैसी है, बस मैंने ये बास्केट और मंगाया है मेरे को चाहिए, बाकी तो मैंने सब रख दिया अपना। ये मेरा बेड हो गया, पानी की बोतल भी भर के आऊँगा। आशू को थोड़ा ज़्यादा ऑर्गेनाइज लग रहा है क्योंकि उसके पास बास्केट है और चीज़ें कम है, और मैं यूजुअली बहुत नखरे करता हूँ, और मेरी माँ मुझे अपना बेटी ही मानती है, मेरे इतना बनता है फिर ऐसा, और बाकी सब ऑलमोस्ट हो गया है। सो अब मैं अभी रात के 8 बजे अब अपन डिनर के लिए जाएंगे, थोड़ा मैं फ्रेश हो जाता हूँ, मुँह हाथ धो देता हूँ। तो गाइस दिस इज़ द नेक्स्ट डे, मैं रात को सो गया था अटेंडेंस देने के बाद, बहुत नींद में था, नींद पूरी तो हुई बट ये आँखों की पफिनेस अभी तक गई नहीं है। मम्मी पापा की बहुत याद आई, कसम से बहुत ज़्यादा याद आई, मम्मी फ़ोन किया, मम्मी रो रही थी, बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ, मतलब ऐसा लग रहा है ऑल ऑफ सडन एक दिन में कितना बड़ा चेंज आ गया। ऊपर से आशु भी नहीं, अभी साथ में रूम में अकेला हूँ तो अकेला और ज़्यादा सा दिमाग ख़राब होता है। सुबह मैं 6:15 उठ गया था, मैं फ्रेश हुआ, रेडी हो गया, मेरे को पता नहीं कॉमन वॉशरूम में मेरे को आदत नहीं है, और आज कॉमन वॉशरूम में नहाने के बहुत अजीब लगा मेरे को, अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं दिख भी बहुत वियर्ड रहा हूँ, वीकेंड का टी शर्ट मैंने पहना है बट ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है, पफीनेस आ गया है फेस में, बहुत मोटा फील हो रहा है मेरे को। और अभी मॉर्निंग 8:15 हो चुका है, मैं ब्रेकफास्ट के लिए निकल रहा हूँ, आपको रूम के बाहर का सीन जो है वो दिखाता हूँ और फिर मैं इसमें चलते हैं। रूम के बाहर का तो नहीं रिकॉर्ड कर पाया बट ये मेरे हॉस्टल के नीचे का सीन है, मतलब ये सारे ब्लॉक्स हैं अलग अलग, सब SOT मतलब इंजीनियरिंग, सब सब ब्रांच के बच्चे लड़के इधर ही है, और इसका नाम UG हॉस्टल है, और एक हाई राइज भी है, और भी इधर आजू बाजू 2-3 है, ये हमारे बॉयज़ का है, तो अभी चलते हैं मैं इस पर। और ये हमारे जस्ट हॉस्टल के गेट से निकलते कैंपस पे जाने का रास्ता देखो, सेफ तो बिल्कुल ही एंगल से नहीं है, और गंदा इतना है, मतलब अगर इधर बारिश हो गई तो पूरी जूतों की बैंड ही बच जानी है। हमारा गेट एकदम उधर आ गया है और इतना चल के जाना पड़ता है डेली। ये वो कैफेटेरिया जहाँ पर हम कल बैठे थे, आपको दिखाया था मैंने, तो ये मेरा पूरा मैस है, इधर सिर्फ पंखे AC नहीं है, और ये सिर्फ ब्रेकफास्ट के लिए का है, मतलब लंच पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, और ये ना मेरा ब्रेकफास्ट कुछ खमन है, खमन या इधर जो भी होते हैं, ब्रेड बटर चना चटनी और कॉफ़ी। तो जो भी लास्ट शॉट आपने देखा, मैं क्लास में गया, मैम ने लेक्चर कैंसिल कर दिया, मेरा 2 घंटे का लेक्चर था, कैंसिल हो गया, क्या करूँ भी कुछ समझ नहीं आ रहा, DJ शायद उठी नहीं है, रेडी हो रही है अभी तक, मैं ब्रेकफास्ट करके हर चीज़ करके बैठा हूँ, व्लॉग एडिट कर रहा हूँ, इधर क्या बाहर जो आपको मैंने दिखाया ना वो सब काम हो रहा है, तो उसकी वजह से कुछ वायर कट गया, तो वाईफाई भी नहीं है, आई डोंट नो मैं इधर व्लॉग्स कैसे अपलोड करूँगा, तो भी बैठ के एडिट तो कर रहा हूँ, जैसे ही अपलोड करने का मौका मिलेगा मैं अपलोड कर दूँगा। लैपटॉप में बैटरी बिल्कुल नहीं है, बट मेन प्रॉब्लम मैं अपलोड कैसे करूँ, इंटरनेट ही नहीं है, आई डोंट नो मैं कैसे अपलोड करूँगा इधर, बट आफ्टर ऑल हम इंडियन हैं, जुगाड़ तो कुछ ना कुछ अरेंज कर ही लेंगे और आपको व्लॉग मिल ही जाएगा। तो अभी फाइनली DJ आई है मेरे को मिलने, कितने घंटे लटकाया तूने मुझे, कल मुझे बोलती है शायद मैं ब्रेकफास्ट करने चलूंगी साथ में, उसके बाद तेरे साथ तेरी क्लास भी अटेंड कर लूंगी, उसका सुबह कॉल किया, कब मना किया मैंने, अभी हम लोग बैठे थे फ्रीज लैंड है, कल देखो इधर बैठे थे, और अभी मैंने ब्लॉग एडिट किया है, इंटरनेट ढूंढ रहा हूँ, बाकी कई सारे वीडियो भी ट्रांसफर करता हूँ, इंटरनेट के प्रेशर हैंडल करेगा, ठीक है। ये देखो फैशन इन्फ्लुएंजा। तो गाइस ये व्लॉग मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा लंबा बन चुका है पहले दिन के हिसाब से, इतना ठीक है, मैं आगे और नया व्लॉग चालू करूँगा इसके बाद। सो ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना नहीं भूलना, नहीं भूलना जगत बंधु को, और ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं ऐसे किसी अगले व्लॉग में, हम आप और वो, टाटा बाय, टेक केयर, बाय, आशु जल्दी आना।